हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने इस तरह के फोटो को ऐसा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को गैलरी से शेयर कर लेना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। उसके बाद टूल्स पर क्लिक करना है और डिटेल्स पर क्लिक करके स्ट्रक्चर को 35 के आसपास माइनस कर देना है और शार्पनिंग को +25 बढ़ा देना है और सही पर क्लिक कर देना है। और फिर टूल्स पर क्लिक करके हेडिंग पर क्लिक करना है और फोटो को जूम करके अगर आपके फेस पर पिंपल्स होगा तो इस प्रकार से पिंपल्स को हटा देना है। उसके बाद सही पर क्लिक करना है और टूल्स पर क्लिक करके पोर्ट्रेट पर क्लिक करना है और सही पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस फोटो को शेयर पर क्लिक करके फोटो रूम ऐप के अंदर शेयर कर लेना है। उसके बाद आपके फोटो से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी इस पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। उसके बाद पिक्स आर्ट ऐप को ओपन करना है और एडिट ए फोटो पर क्लिक करके एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। मैं 5 बैकग्राउंड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद ऐड फोटो पर क्लिक करके अपने फोटो को ऐड कर लेना है और जूम करके बीच में फिट कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके इस फोटो रूम वाला लोगो को इरेज कर देना है और सही पर क्लिक करके फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है और इस DSLR ब्लर वाला PNG को ऐड कर लेना है और इस PNG को फुल स्क्रीन कर देना है। और यहाँ पर आना है, ब्लेंड पर क्लिक करके स्क्रीन कर देना है और यहाँ पर क्लिक करके इस प्रकार से इरेज कर लेना है। सिर्फ कपड़ा और फेस पर का ही ब्लर PNG को इरेज करना है और सही पर क्लिक कर देना है। और टूल्स पर क्लिक करके एडजस्ट पर क्लिक करना है और ह्यू पर क्लिक करके कपड़ा का कलर को चेंज कर लेना है। तो आपको जो कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वो कलर को रख लीजिएगा। तो चलिए मैं ये कलर रख लेता हूँ। और यहाँ पर क्लिक करके इंटर्व पर क्लिक करके सिर्फ कपड़ा पर कलर को अप्लाई कर देना है और सही पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, फोटो को फुल HD बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके रेमनी ऐप में इस फोटो को शेयर कर लेना है और इनहेंस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, मेरे रेमनी ऐप में एक भी ऐड नहीं आता है क्योंकि मैंने एक सेटिंग कर रखा है। अगर आप भी रेमनी ऐप में ऐड को बंद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में 1 मिनट के वीडियो का लिंक मिलेगा। आप उस वीडियो को देखकर रेमनी ऐप में ऐड को बंद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फोटो फुल HD बन चुका है। तो चलिए मैं इस फोटो को सेव कर लेता हूँ और सेव करते समय भी एक भी प्रचार दिखाई नहीं देगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।